क्रॉप्स एंड लैंड ऑल्सो। और लैंड जो किसके हाथ में होती थी, प्लांटर के हाथ में होती थी, लेबर को क्या करता था वो हायर करता था एंटायर ईयर के लिए। रैयती में इट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट, आप कह सकते हो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन रैयत एंड द प्लांटर। प्लांटर हैव टू पे, आप कह सकते हो लोन या फिर मनी कह सकते हो। प्लांटर अवेलेबल कराता था पैसे, लोन देता था। लेता कौन था? रैयत। और उस लोन से वो बीज है, ड्रिल है, साधन टोटल खरीद करके अपना फसल को उगा करके देता था प्लांटर को। क्या क्या दिक्कतें आई? निज कल्टीवेशन भी क्यों फेल हो गया, रैयती कल्टीवेशन भी क्यों फेल हो गया, क्या कारण थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से इंडिगो रिबेलियन हुआ, इंडिगो जो रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, मतलब किस वजह से, वो थोड़ा थोड़ा चर्चा हम आज जैसे आपके बुक में बहुत छोटा सा, कोई ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं दिया हुआ, बहुत ही कम थोड़ा सा दिया हुआ, तो उसी पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे आज कि प्रॉब्लम विद नीच एंड रियती सिस्टम। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है टू मेक यू अंडरस्टूड। निज जो सिस्टम था उसमें पहली प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। पहला पॉइंट ये बेटा कि लैक ऑफ फर्टाइल लैंड का मतलब है कि उपजाऊ जमीन की कमी। आपको पता है कि जो प्लांटर आए थे उन्होंने जमीन तो परचेज कर ली, रेंट पे भी ले ली, बट दे डोंट नो कि विच इज फर्टाइल और कौन सी जमीन ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी जमीन उपजाऊ नहीं है, वो उनको पता नहीं था। तो जमीन जो फर्टाइल थी उसकी कमी थी, इसकी वजह से प्लांटर को प्रोडक्शन कम होने लगा, मतलब उनको नुकसान होने लगा। ऐसी जमीन भी उन्होंने एक्वायर कर ली, हायर कर ली, या फिर आप कह सकते हो परचेज कर ली, जिसमें इंडिगो की खेती नहीं की जा सकती थी। दूसरा पॉइंट पढ़े हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब क्या होगा बेटा, कि इंडिगो की जो फैक्ट्री, आप कह सकते हो इंडिगो की फैक्ट्री या फिर इंडिगो जैसे प्रोडक्शन उसका होता था, तो आपको पता है एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री लगानी होती थी, उसमें वैट्स होते थे, हौद बनाए जाते थे, ठीक है, और जैसे जो लोग थे, मतलब पुरुष थे, मेल थे, वो कटाई का काम करते थे, हार्वेस्ट मतलब फसल को काटने का काम करते थे, और जो फीमेल थी वो उन फसल को लेके आती थी सर पर, कंधे पर, या फिर जो बैलगाड़ियां तो बहुत कम थी उस जमाने में, मतलब कंधे पर या सर पे ही ढोकर के लाना होता था खेतों से फैक्ट्री तक। फैक्ट्री में उसको गलाया जाता था, उसकी पत्तियों को तोड़ करके, और फिर हौद में ऐसे गला करके उसकी डाई या फिर उसका कलर बनाया जाता था। तो उस डेंसली पॉपुलेटेड में क्या है कि उस बंगाल और बिहार की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, और जमीन कम थी। जमीन कम थी इसकी वजह से भी प्लांटर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत थे लेकिन जमीन उनको नहीं मिल रही थी। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी ये आई निज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो में, कि उनके पास जमीन फर्टाइल भी की भी कमी थी और बहुत ज़्यादा जमीन नहीं थी, डेंसली पॉपुलेटेड था आसपास का एरिया, फैक्ट्री के आसपास का एरिया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इशू। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो गुड्स को कैरी करना, सामान को लाना ले जाना, ढोना, मतलब। अच्छा, फैक्ट्री के आसपास तो बहुत सारे लोग बसे हुए थे। अब मान लो मैंने जमीन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले ली, ठीक है, अब 10 किलोमीटर दूर से मैं अगर उस फसल को लेके आऊँगा, ढोऊंगा, वापस वहाँ कल्टीवेट के लिए जाऊँगा, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम था। आजकल तो बहुत सारे सो मेनी व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है, इट्स सो इजी, बट इन दैट टाइम 150 ईयर्स अगो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द क्रॉप ऑन शोल्डर ऑन हैड एंड देन कैम टू द इंडिगो फैक्ट्री, इट्स सो डिफिकल्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यू आया, किस कौन सी कल्टीवेशन में, निज कल्टीवेशन में। और दूसरा लेबर प्रॉब्लम। देखो, लेबर मिलना तो आसान था, बट आपको पता है कि उस समय एक राइस की खेती भी होती थी साथ में, ठीक है, जो उससे बहुत अच्छी होती थी, खाने के बहुत अच्छा काम होती थी, ठीक। इंडिगो तो खाते तो थे नहीं, वो भाई इंडिगो ऐसा थोड़ी इंग्लैंड वाले जाके उसको खाते हों, नहीं, वो तो किस में काम आता था, कपड़ों की रंगाई छपाई में। तो राइस का जो प्रोडक्शन था, जो हार्वेस्टिंग था, वो उसी समय होता था जब उसका जो बुआई कह लो आप, जब इंडिगो को काटने का टाइम होता था। तो पीपल वर
बिजी इन राइस हार्वेस्टिंग, आप कह सकते हो इन राइस कल्टीवेशन। और तब लेबर भागने की कोशिश करता था राइस कल्टीवेशन की तरफ, और प्लांटर क्या चाहता था कि लोग मेरे पास रहें, इंडिगो के लिए रहें। तो ये भी एक बड़ा इश्यू था, कॉन्फ्लिक्ट था, इश्यू था, या फिर आप कह सकते हो झगड़े की वजह थी प्लांटर और लेबर के बीच में। ठीक है, तो निज कल्टीवेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछे कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम, मेन मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्लांटर इन निज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, सो यू हैव टू से दैट यू कैन मेक पॉइंट और यू कैन ड्रॉ पॉइंट्स दैट लैक ऑफ फर्टाइल, कि लैंड जो थी वो फर्टाइल नहीं थी उस टाइम पे, और फैक्ट्रीज के आसपास का एरिया था इट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सो दे वांट मोर लैंड बट दे आर नॉट एबल टू गेट द फर्टाइल लैंड। तीसरा आप बता सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो ए मेजर इश्यू दैट टाइम, बिकॉज दे हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन शोल्डर और हैड एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर या फार साइड या मूव फ्रॉम, आप कह सकते हो बहुत दूरी तक वो नहीं जाना चाहते थे इंडिगो फैक्ट्री से फसलों को बोवाने के लिए, उनको ढोने के लिए। फोर्थ आप पॉइंट बना सकते हो लेबर प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर इज वॉज सच ए बिगेस्ट इश्यू विद द प्लांटर्स, उनको दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर लेबर इन इंडिगो कल्टिवेशन। ये तो बात होगी किसकी बेटा, निच कल्टिवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई। दूसरा टॉपिक है कि रैयती जो सिस्टम था उसमें क्या क्या दिक्कत आई। रैयती में क्या हुआ था, रैयती में ये हुआ था कि प्लांटर ने टोटल वजन किस पे डाल दिया था, पीजेंट पे डाल दिया था। वो उसने तो अपना मतलब पूरा पल्ला ही झाड़ लिया कि भाई मैं तो खेती वेती करने वाला हूं नहीं, मैं तो तुम्हें क्या देता हूँ, पैसे पैसे फेंका, लालच दिया, ये लो पैसे, बहुत सारे पैसे दिए कि ये लो तुम कुछ भी खरीदो, इस पर थोड़ा सा लोन लूंगा, लोन है ये, इंटरेस्ट लूंगा और आप इसको चुकाते रहना। देखो इसमें रैयती सिस्टम में आपको याद होगा हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बिटवीन रैयत एंड प्लांटर्स। उस एग्रीमेंट के तहत लैंड जो एरिया था टोटल लैंड के 25% पर उसको इंडिगो कल्टीवेट करना ही था। बात समझ में आई क्या, यानी मेरे पास अगर मान लो 100 बीघा जमीन है तो मुझे 25 बीघा पर इंडिगो की खेती करनी ही होगी। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंड ओनर पीजेंट रैयत आप कह सकते हो ऑन प्लांटर्स। ये एग्रीमेंट हुआ कि जमींदार सॉरी जो किसान था उसको अपनी जमीन के 25% पर इंडिगो या नील की खेती करनी ही होगी। मान लो उसके पास 100 बीघा जमीन है तो वो 100 पर करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 25 पर तो करनी ही पड़ेगी, बाकी अगर वो कुछ व्हीट राइस वॉट एवर जो उगा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू ये था, इंटरेस्ट रेट सो हाई, जो लोन दिया था उस पर जो ब्याज की दर थी वो बड़ी बहुत भयंकर मतलब विकराल जिसको बोलते हैं, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू पे रीपे द अमाउंट ऑफ लोन बाई पीजेंट टू प्लांटर्स। शुरुआत में तो उनको लगा था कि बहुत सारे पैसे वो दे रहा है, प्लांटर दे रहा है, बीज दे रहा है, ड्रिल दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन जब सारा सिस्टम क्या हो गया, सब सिस्टम दे दिया प्लांटर ने किसको, पीजेंट्स को, यानी फार्मर को दे दिया कि भाई तू कमा सब कुछ बना और फसल जब पक जाए तो बोरियों बोरियां भर के मेरे पास डाल के चला जाना, तेरा जो किराया है, तेरा जो रेंट है, जो एग्रीमेंट का पैसा है मैं तुझे दे दूंगा। फसल तो पूरी प्लांटर की थी। अब होता क्या था, लोन ले लिया, ठीक है, जैसे मैं ही किसान हूँ, मैंने लोन ले लिया, बहुत सारा लोन लिया, फिर मैं कमा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ किसके लिए, प्लांटर के लिए, मेरा खुद तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ आई गेट ओनली मनी, ठीक है, पूरा फसल किसका है, प्लांटर का है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे दिन भर रात दिन मेहनत करूंगा और खूब मेहनत करके वो सारी की सारी फसल ले जाकर डाल दूंगा किसके, प्लांटर के पास। वो क्या करेगा, वो हिसाब लगाएगा, भाई आपने 2 रुपए का ये लिया, 5 का ये लिया, 6 का ये लिया, आपका लोन है 10 रुपए और आपकी फसल है 4 रुपए, है ये क्या, 10 रुपए लोन और 4 रुपए की फसल, यानी 6 रुपए मेरे पर क्या हो गया, मेरे पर कर्ज। और ये जो कर्ज था, ये जो डेट था, बहुत ही मतलब एपरेशन था, बहुत ही उत्पीड़क था, बहुत ही खराब था, ठीक है। बहुत सारे किसानों ने
सुसाइड किया था, बहुत सारे किसानों ने बिहार बंगाल को छोड़ दिया था इसी वजह से। तो इंटरेस्ट की जो रेट थी वो बहुत हाई थी, और लोन का इतना बड़ा जाल था, मकड़ जाल जिसको बोलते हैं ना, मकड़ी वाला जाल, जिसमें एक बार फंस गया तो हाथ पैर मारते रहो निकलेगा नहीं। मतलब लोन का जाल इतना था कि लोन एक बार जिस किसान ने ले लिया तो उसका छुटकारा फिर तो जमीन बेचने के बाद या फिर खुद को गिरवी रखने के बाद ही हो सकता है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइस एंड इंडिगो, ये हम यहाँ डिस्कस इनमें भी कर चुके हैं कि राइस जो था वो खाने में काम आता था, लेकिन इंडिगो तो वहाँ एक्सपोर्ट होता था। पीजेंट प्रीफर करता था राइस को उगाने के लिए, लेकिन जबरदस्ती जो प्लांटर वो इंडिगो की फसल को उगवाता था, क्योंकि उसको पता है कि इंडिगो में ही मेरा सबसे बड़ा फायदा है, राइस में बिल्कुल नहीं है। तो जबरदस्ती उनको उगवाया जाता था। किसान राइस बोना चाहते थे और उधर फसल आती थी किसकी, इंडिगो की। तो किसान सोचता था कि मैं अपनी जमीन पर राइस की बुआई करूं, उधर से प्लांटर पीछे से हंटर लगा के डंडी लेकर मारता, चल बेटा पहले फसल काटनी है, पहले तो इंडिगो की फसल को काट के मेरे पास डालेगा, उसके बाद राइस की खेती करेगा। अब उस फसल को काटने मान लो 10 दिन निकल जाते, तो 10 दिन में तो पूरी खेती बर्बाद राइस की। भाई राइस टाइम पर वो बो नहीं सकता था, हार्वेस्ट नहीं कर सकता था, तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैयत एंड प्लांटर, दैट पीजेंट्स वॉन्ट टू हार्वेस्ट राइस, बट फोर्सली प्लांटर फोर्सली आस्क टू कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, दिस इज द बेसिक टॉप, आप कह सकते हो पॉइंट्स। इन अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट प्रॉब्लम विद निज एंड रेयती सिस्टम, या फिर कह सकते हो प्रॉब्लम विद निज एंड रेयती सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। आपको ये दोनों याद रखने बेटा बहुत अच्छे से, निज के क्या स्पेसिफिकेशन थे, क्या विशेषताएं थी और क्या प्रॉब्लम थी, ये एक साथ याद रखना है, ठीक है। और इधर रेयती में क्या विशेषताएं थी और क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो आपको एक साथ याद रखना है। यहाँ से होता है मतलब एक बड़ा वाला बवाल, ठीक है। बड़ा वाला बवाल होता है कि किसान एकदम परेशान हो गया, और हारा परेशान आदमी क्या कर सकता है, सर में लठ मार सकता है, सर को फोड़ सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से किसानों ने सोचा कि अब तो हम गए बिल्कुल काम से नहीं, तो इससे अच्छा है कि या तो मारते या फिर मर जाएं। और इसके बाद से स्टार्ट होती है ब्लू रिबेलियन और इंडिगो रिबेलियन, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इनको अच्छे से गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए। एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू टेक्स्ट मी, और होमवर्क पूरा करना है, ठीक है, होमवर्क करते रहिए साथ साथ में। ऐसा नहीं हो कि मैं एक दिन कॉल करूं और एक साथ आपको मिले कि इतना बड़ा होमवर्क, इतना ज़्यादा होमवर्क कैसे हो गया, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर।